हाई टेंशन तार की चपेट में आई मजदूरों को ले जा रही बस करंट लगने से 15 झुलसे। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दादो थाना क्षेत्र के आलमपुर चौराहे पर बुधवार को एक प्राइवेट बस हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई। तार की चपेट में आने से बस में करंट उतर आया, जिससे बस में सवार लोग झुलस गए। घायल लोगों को आनंद फानंद में नजदीक के अस्पताल में पहुंचाया गया। वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों को अलीगढ़ के दीनदयाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस दुर्घटना की जांच कर रही है। दरअसल ईंट भट्टा मजदूरों की एक बस महोबा से अलीगढ़ आ रही थी। बस के ऊपर मजदूरों का सामान भी रखा हुआ था। जैसे ही बस दादो थाना क्षेत्र के आलमपुर चौराहे के पास पहुंची, वहां हाई टेंशन वायर झूल रहे थे। बस के ऊपर रखा सामान उसकी चपेट में आ गया, जिससे बस में करंट उतर आया। बस में करंट से कई लोग झुलस गए, जिनमें से करीब 5 लोगों को दीनदयाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 8 लोगों को आसपास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस क्षेत्राधिकारी छर्रा मोहसिन खान ने बताया कि दादो थाना क्षेत्र में एक बस जो महोबा से जनपद अलीगढ़ आ रही थी, उसमें भट्टे के मजदूर थे। दादो के पास आलमपुर चौराहे पर बस हाई टेंशन लाइट की चपेट में आ गई, जिससे बस में सवार 10 से 15 यात्री झुलस गए। घायलों में 8 लोगों का उपचार यहां हो रहा है और 5 लोगों को दीनदयाल अस्पताल में भेजा गया है। सभी लोग खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। सभी को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप सभी का इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे जाकर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।